उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश सरकार के स्टाम्प न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस योजना बैठक में आगामी वर्ष की कार्य योजना बनाने के साथ कुल 2,72,99,00,000 के कार्य योजनाओं के पास किया गया। इस बाबत उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ जनपद के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि आज योजना बैठक में कुल 2,72,99,00,000 की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। आज 2,72,99,00,000 रुपए का योजना है, तमाम मदों में जिला योजना की बैठक संपन्न हुई है और जो भी यहाँ पर नामित सदस्यगण हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और जो संबंधित अधिकारीगण हैं उन्होंने भी उस समस्या को गंभीरता से लेते हुए नोट किया है और मैं समझता हूँ कि आज जो जिला योजना बैठक में प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं और पास हुए हैं उससे इस मऊ जनपद का विकास होगा और मऊ जनपद में जो भी समस्याएं उसके समाधान के लिए जो बजट आज पारित हुआ है अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं। इसी क्रम में आज आयोजित बैठक है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।